Hey guys, my name is Vikrant. Welcome to a new video of my channel Vikrant Comedy Arts. और यार आप लोग अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो काफ़ी सारी मेरे अलग अलग टाइप के वीडियोस और मीडियम्स में मैं काम करता हूँ. अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं दोनों मीडियम्स यानी कि डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों मीडियम्स पे काम करता हूँ. लेकिन आज मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को या फिर सभी को डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों आर्टवर्क्स में से कौन सा आर्टवर्क चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और दोनों में क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट्स आपको लोग मिलेंगे, ये मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. सो ही गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले लाइक करना जरूर इस वीडियो को अगर आपको टॉपिक पसंद है और वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा. चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पे. डू सपोर्ट मी, मेरा एक आर्ट चैनल को मुझे एक काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहता हूँ. सो हाँ, प्लीज़ सपोर्ट मी इन दैट. सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन फॉर ऑल एनेबल कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबको पता है डिजिटल और ट्रेडिशनल ये दोनों भी आर्ट फॉर्म्स काफ़ी कमाल के हैं. हम लोग पहले से ट्रेडिशनली जो भी काम करते आए हैं वो तो काफ़ी कमाल का होता ही है. लेकिन डिजिटल में हम लोग को काफ़ी कुछ ईज मिल जाती है. वही हम लोग अगर स्केचिंग कर रहे हैं, कुछ गलती हो गई तो फटाफट अंडू कर दो, या फिर कलरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है डिजिटल मीडियम्स में. हम सबको पता है, अगर आप डिजिटल आर्टवर्क्स को फॉलो कर दो तो आपको ये ज़रूर पता होगा. लेकिन क्या सच में डिजिटल आर्टवर्क्स या फिर डिजिटल मीडियम ट्रेडिशनल से बेटर है या फिर ट्रेडिशनल वे डिजिटल वे से काफ़ी अच्छा बेटर है, तो इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे. सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हम लोग इन सारी वीडियोज़ को, ये सारी पूरी जो हमारी वीडियो है इसे हम लोग कुछ पार्ट्स में बांट देंगे कि ईज ऑफ वर्क दोनों में कितना होगा, उसके बाद में प्राइजेस या फिर जो भी हम लोग मटेरियल लगता है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो होता है वो होता है कि हमें ईज ऑफ वर्क कौन से मीडियम में ज़्यादा मिलेगी. सो हाँ, मैं मोस्टली ट्रेडिशनल वर्क पे काम करता हूँ, पहले से करता आया हूँ, और डिजिटल में मैंने अभी कुछ टाइम से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, एक दो साल से, और मैं अभी फ़ोन पे डिजिटल आर्टवर्क्स बनाता हूँ. आपको एंड्रॉयड, अगर आप चलाते हो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आप चलाते हो तो बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऐप्स आपको मिल जाएंगे जिस पे आप डिजिटल आर्टवर्क्स बना सकते हो बहुत ही इजीली. ये सारे अवेलेबल ऐप्स आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएंगे, तो आप उस पे से कर सकते हो. बहुत ही ईजी होता है एक फ़ोन पे आप लोगों को अगर करना है तो. उसके लिए आप एक स्टाइलस ले सकते हो या फिर आप फिंगर टिप से भी कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो. स्टाइलस लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी ईज मिलेगी आपके जो स्ट्रोक्स होंगे उनमें. तो ये डिजिटल का एक एडवांटेज पॉइंट है कि आपको वो जो ईज है, जो काम करने की ईज है, अगर आपको कोई गलती हो गई तो आप फटाफट अंडू कर सकते हो उस चीज़ को. आपको अगर पेंटिंग करनी है तो आप पेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हो, और उसमें भी अगर गलती हो गई तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हो बाय डिलीटिंग दैट लेयर. जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो वो डिलीट कर दो या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस कर दो. हालांकि ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता. ट्रेडिशनल में हमें स्केच करना है तो पहले हम लोग बेसिक स्केच करना पड़ता है, प्लेसमेंट वगैरह करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दोनों जगह होती है. लेकिन ट्रेडिशनल में आपको अगर मिस्टेक हो गई है तो इरेज करने के बाद वो जो पेपर होता है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, और अगर आपका स्टाइल, स्केचिंग स्टाइल थोड़ा सा रफ है तो फिर वो पेज तो पूरा ख़राब ही हो जाए, तो आपको नए पेज से स्टार्ट वगैरह करना. ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ ट्रेडिशनल में होती रहती है, डिजिटल में ये सारी चीज़ें नहीं होती है. तो मैं कहूँगा कि ईज ऑफ वर्क है वो आपको डिजिटल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स में ज़्यादा मिलता है. लेकिन आप कहोगे कि आई स्ट्रेन होता है, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है, तो हाँ ये सारी चीज़ें डिजिटल में आपको फेस करनी पड़ सकती है. आपको फ़ोन में अगर करना है तो काफ़ी छोटी सी स्क्रीन आपके फ़ोन की होती है, 6 इंच या फिर 5.5 इंच की स्क्रीन होती है, उसमें आपको काम करना पड़ता है. वो बड़ा कैनवस, ऑफकोर्स आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो सो दैट आप एक काफ़ी छोटे पोर्शन पे अच्छे से काम कर पाओ. लेकिन ट्रेडिशनल में वही होता है कि आपको वो जो पेन पेपर या फिर पेंसिल पेपर का जो फील है वो आपको ट्रेडिशनल देता है, तो वो एक ट्रेडिशनल की एडवांटेज है. ट्रेडिशनल में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी ईजी छोटा मोटा पेपर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिसिंग में ट्रेडिशनल में आपको काफ़ी अच्छे से आपकी हैंड मोटर स्किल्स वगैरह आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करने में मिल सकता है. और एक व्यू जो होता है ट्रेडिशनल में, जो पूरे पेपर का व्यू आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, आपको जो सामने दिख रहा है वो ट्रेडिशनल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा मिसिंग होता है, क्योंकि हम लोग जब जूम आउट जूम इन करते रहते हैं तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे
ट्रेडिशनल में आपको फील होगी कि ये बेटर है डिजिटल से, लेकिन डिजिटल में वो जूम इन और जूम आउट का जो पॉइंट है वो एक कहीं ना कहीं एडवांटेज भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको अगर किसी छोटे से पार्ट पे काम करना है डिजिटल आर्ट वर्क में, तो आप अच्छे से उसे जूम आउट करके पूरे स्क्रीन पे उसे स्ट्रेच करके उस पर डिटेल्ड काम कर सकते हो, ये आपको ट्रेडिशनल में नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि ईज ऑफ वर्क आपके हिसाब से सब्जेक्टिव हो सकता है, आपको कौन से मीडियम पे क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मनी का पॉइंट, पैसे का पॉइंट। ऑफ कोर्स आप अगर न्यू आर्टिस्ट हो या फिर आप अभी तक तो जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो या फिर ऐसे कुछ भी, तो आपको पैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे थोड़े से सेव कर सको और आपकी जो आर्ट मीडियम्स है उसमें आपको थोड़े से पैसे आप देखने बहुत ज़्यादा मिलता है। डिजिटल में कैसा है, अगर मैं सोचूँ तो हर एक पर्सन आज के टाइम पे सबके पास एक स्मार्टफोन होता है, और जिसके भी पास एक स्मार्टफोन है वो डिजिटल आर्ट वर्क अभी के अभी स्टार्ट कर सकता है। उसे कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रशेस या फिर पेंसिल ऐसा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फिंगर टिप्स पे भी काम कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर ही बहुत सारे आर्ट वर्क या आर्टिस्ट देखे हैं जो कि डिजिटल आर्ट फोन से करते हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इस हिसाब से डिजिटल का है। आपको इन्वेस्टमेंट में अगर आप इस तरीके से छोटे लेवल पे सोचते हो कि फ़ोन पे कर लूँगा वगैरह प्रैक्टिसिंग के लिए, तो उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट वर्क प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको स्केचबुक वगैरह लेनी पड़ेगी, और अभी के टाइम पे स्केचबुक्स का या फिर पेपर्स का जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैंने उसका एक एग्जाम्पल है, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी मटेरियल खरीदने की, तो उसमें मैंने 2 महीने पहले जो बुक खरीदी थी 200 रुपये की, वो आज मतलब वो जो दिन मैंने वीडियो अपलोड की उस दिन वो 400 रुपये की थी। तो बस 1-2 महीने में 200 रुपये बढ़ गए हैं उस बुक के ऊपर। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल जो मटेरियल है उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। आपको पेंसिल्स लेनी पड़ेगी, इरेजर्स लेना पड़ेगा, कलर्स लेनी पड़ेगी अगर आप कलर्स कर रहे हो तो, स्केचबुक लेनी पड़ेगी। स्केचबुक में भी अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए काम करने का तो आपको अच्छे ज़्यादा थिकनेस के पेपर्स लेने पड़ेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। करीब करीब एक पेज आपको 30-35 रुपीज़ का पड़ जाता है, एक पेज की कीमत मैं बोल रहा हूँ 30-35 रुपीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल की इस पर। लेकिन डिजिटल में वहीं पे आप देखोगे तो एक ऐप में आप सिलेक्ट कर सकते हो किस क्वालिटी का आपको कितना बड़ा कैनवास चाहिए, कितना बड़ा पेपर चाहिए, कितना छोटा पेपर चाहिए, पेपर के साइजेस वगैरह सब आप उस ऐप में कर सकते हो और उसी में आपको काम करना है। तो ये सारे जो पैसे के प्रॉब्लम्स हैं ये डिजिटल आर्ट वर्क अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आपको सॉल्व हो सकते हैं। वहीं पे मैं अगर बात करूँ कि डिजिटल आर्ट वर्क आप एक प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो, एक बड़ी लेवल पे करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप सोचोगे कि एक लैपटॉप ले लूँ या फिर एक ग्राफिक टैबलेट ले लूँ लैपटॉप के साथ यूज़ करने के लिए, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप एक आईपैड या फिर एक कोई भी बड़ा स्क्रीन वाला टैबलेट ले सकते हो। आईपैड या फिर एंड्रॉयड सिस्टम में भी काफ़ी सारे टैबलेट्स अभी आ रहे हैं सैमसंग वगैरह के, तो आप सोच सकते हो कि इस तरीके के मैं कुछ मटेरियल्स ले लूँ, कुछ इक्विपमेंट्स ले लूँ जिससे मैं डिजिटल आर्ट वर्क में काफ़ी अच्छा कर पाऊँ, जो कि काफ़ी सही सोच है अगर आप सोच रहे हो। लेकिन ऑफकोर्स हम लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें जो काफ़ी महंगी मिलती हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीक का डिजिटल ग्राफिक टैबलेट खरीदा था जो कि फ़ोन के साथ कंपैटिबल है, वो 1500 रुपये का कुछ आता है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई सिर्फ डिजिटल आर्ट वर्क करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैं इसे करीब करीब अभी 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी बेटर है। कोई भी आप ग्राफिक टैबलेट्स ले सकते हो जो कि आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल हो और आप उसमें से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर आप टैबलेट वगैरह की खरीदने की कोशिश करते हो, लैपटॉप खरीदने की कोशिश करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो अगर लोगे तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। मतलब क्या है, अगर आप एक आईपैड लेते हो, करीब करीब हम लोग ने सोचा कि आईपैड 9th जनरेशन वाला ले लिया, आपको समझो अगर वो 27 से 30,000 तक का पड़ जाएगा, तो ये 27 से 30,000 जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है अगर आप एक बेसिक सोचते हो तो। आगे अगर आपको एक प्रोफेशनल ऐप्स वगैरह एप्पल के इको सिस्टम की मैं बात करूँ तो उसमें आपको वो ऐप को परचेज करना पड़ता है, कुछ $9-10 आपको फीस मंथली पे करनी पड़ती है, तभी आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हालांकि एंड्रॉयड टैबलेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो आप सेम टू सेम वैसा ही
टैबलेट्स में भी यूज कर सकते हो। तो ये डिजिटल में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि आप वो इन्वेस्टमेंट एक ही बार करो, एक ही बार डिवाइस ले लो और उस पर काम शुरू करो। बाद में आपको कैनवस, पेपर्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेंट्स, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिजिटल में। वहीं पे अगर आप ट्रेडिशनल पे जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको एक नया आर्टवर्क बनाना है तो आपको पेपर्स खरीदने पड़ेंगे, पेंसिल्स खरीदने पड़ेंगे, पेंट्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही है और इसी वजह से एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जो मीडियम्स हैं, वो कहीं ना कहीं बेटर होते हैं ट्रेडिशनल से। कि आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। आप बहुत ही इजीली ट्रेडिशनल पे काम कर सकते हो बाद में किसी भी पैसे की चिंता किए बिना। तो ये एक मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट लगता है डिजिटल मीडिया का। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि आप ट्रेडिशनल आर्टवर्क हो, आर्टिस्ट हो या फिर डिजिटल आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, आपको अगर उससे पैसे कमाना है, पैसे कमाने मतलब अगर आपको कमीशन आर्टवर्क्स लेने हैं, लोगों से कुछ इंटरेक्ट करना है, कुछ उनके काम करके देने हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है, तो इस चीज़ में आप क्या करते हो कि क्लाइंट को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल करते हो और उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप दोनों ही मीडियम्स की तरफ देख सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप पहले अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे आप देख लेना कि आपके आसपास जो लोग हैं या फिर आपको जो आर्टवर्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं, जो भी कमीशन आर्टवर्क्स आपको मिल रहे हैं, वो किस टाइप के हैं या फिर किस मीडियम के हैं। इंडिया में हम लोग के पास एक ऐसी चीज़ है कि डिजिटल जो भी मीडिया है या फिर डिजिटल जो भी आर्टवर्क्स होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ अभी तक नहीं हुआ है, जो कि बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग को देखने मिलता है। लोग एनएम्स का ऑर्डर्स देते हैं, एनएम के डिजिटल आर्टवर्क्स बनाते हैं, बहुत सारे कमीशन आर्टवर्क्स बाहर के देशों में हम लोग को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको उस तरह की ऑडियंस को रीच करना पड़ेगा कि आपको अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो डिजिटल में आप जो भी बना पाते हो उस ऑडियंस को आपको हिट करना पड़ेगा और उस ऑडियंस को आपको कमीशन आर्टवर्क वगैरह वैसे मिलने चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, अगर आप छोटे लेवल पे आर्टिस्ट हो या फिर अभी अभी शुरुआत कर रहे हो तो मोस्टली आपके पास ट्रेडिशनल स्केचेस या फिर ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट्स ही आने वाले हैं। तो फिर मेनली यही चीज़ है कि आपके पास जो भी कमीशन आर्टवर्क ऑलरेडी आ रहे हैं, आपके पास जो भी काम है, उस हिसाब से आप अपना मीडियम चूज़ करो। मैंने अभी तक डिजिटल पे ज़्यादा काम करने की नहीं सोची है, मैंने अभी तक टैबलेट वगैरह ख़रीदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी कस्टमर्स है, जो भी क्लाइंट्स है, जो भी मेरे पास काम आ रहा है, वो मोस्टली ट्रेडिशनल ही आ रहा है। हाँ, ट्रेडिशनल में क्या होता है, कलर आपको पोर्ट्रेट मंगा दे लोग, पेंसिल स्केचेस मंगा दे, वाटर कलर पेंटिंग्स मंगाते हैं, जो कि नॉर्मली पर्सन्स के ही होते हैं। किसी को गिफ्ट देना होता है, किसी दोस्त का पोर्ट्रेट बना लिया, उसे गिफ्ट कर दिया, इसी तरीके के आपको कमीशन आर्टवर्क्स अभी अभी मिलेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपके पास एक डिजिटल अच्छा सा ऑडियंस है, डिजिटल क्लाइंट्स है, डिजिटल आर्टवर्क्स देने वाले क्लाइंट्स है, तो फिर आप ज़रूर इस बारे में आप सोच सकते हो कि मैं फुल्ली डिजिटल आर्टिस्ट बन जाऊँ। डिजिटल में भी आप रियलिस्टिक वगैरह बना सकते हो, लेकिन हैंडमेड पेपर या फिर स्केचेस का जो क्रेज़ है अभी तक इंडिया में वो ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। डिजिटल का उतना ज़्यादा नहीं है। जो भी स्मॉल मतलब लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनको आप देख लो या फिर बड़े भी हैं तो भी आप देख लो कि मोस्टली उनके पास ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स ही ज़्यादा आते हैं। ट्रेडिशनल में स्केचेस, वाटर कलर पेंटिंग्स, इस सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ वर्क, उसके बाद में जो पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो, और उसके बाद में आपके आसपास जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी आपको काम मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मीडियम चूज करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग ज़रूर कंसिडर करना सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालता रहता हूँ और बहुत सारे आर्टवर्क्स के भी वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप सारे के सारे देख सकते हो। और अगले पेंटिंग, स्केचेस, एनिम और बहुत सारी चीज़ें। डिजिटल आर्टवर्क के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डिफरेंट चैनल बनाऊँ और उस पर डिजिटल, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आर्टवर्क के रिलेटेड उस चैनल पे काम करूँ, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। लेकिन दैट थिंग इज़ फॉर द फ्यूचर। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।